मैं राजनीति में पीठ में छुरा बोकने का काम नहीं करता हूँ। जब तक नीतीश कुमार जी रहेंगे तब तक मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, मैं आपको वचन देता हूँ। बोल देंगे तो लड़ जाएंगे। हमको देखिए, हम आप जो आप हमको खोदना चाहते निकलवाना चाहते, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ। खून से बड़ा संबंध होता है, हम परिवार को छोड़ने वाले नहीं है। हम सब बूथ कतरा खून देने के लिए तैयार रहे एनी टाइम। तय कर देंगे तो फिर आप मानेंगे? हम तो पहले बोले आग में ही कूद जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लास्ट चीज देख रहे हैं। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं बाढ़ में। देखिए बाढ़ में संजय सिंह जो कि जेडीयू के एमएलसी हैं, उनका पुरजोर स्वागत किया जा रहा है, भरपूर स्वागत प्रेम मिल रहा है उन्हें, उनका स्वागत किया जा रहा है। और आपको बता दें अगले साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस जो कि पुण्यतिथि मनाई जाती है महाराणा प्रताप जी की, इस बहाने संजय सिंह आमंत्रण देने पहुंचे हैं और लोगों का प्रेम मिलता हुआ दिख रहा है। हर तरफ ढोल नगाड़े बज रहे हैं, स्वागत हो रहा है और फूलों की बारिश भी की जा रही है संजय सिंह पर। ये तमाम तस्वीरें आपको बाढ़ से दिखा रहे हैं, जहां की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको जोड़ रहे हैं। ये राजनीति हो रही है, आप समझ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे कैसे फूलों की बारिश हो रही है, संजय सिंह का स्वागत हो रहा है और नारेबाजी भी हो रही है, नारा लग रहा है। कैसा हो? क्या नारा लगा रहे हैं आप? नारा क्या लगा रहे हैं? संजय भैया जिंदाबाद, बाढ़ विधायक संजय भैया जिंदाबाद। बाढ़ सब चाहते हैं चुनाव लड़ने के लिए? जी 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 बिल्कुल, लड़ेंगे लड़ेंगे, जनता के मांग है इनका। हाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो निमंत्रण देने आए हैं, निमंत्रण देने आए हैं तो साथ है हम लोग। लोग का मांग है कि इस बार संजय भैया आए। जी जी बिल्कुल, संजय भैया आए, संजय भैया, संजय सिंह आए बाढ़ में चुनाव लड़ने के लिए, ये लोगों की मांग। संजय भैया जिंदाबाद, रवि सिंह चौहान। क्या मांग कर रहे हैं? क्या मांग कर रहे हैं कि संजय भैया को जदयू की तरफ से टिकट बाढ़ का मिलना चाहिए। यहां तो विधायक है ही बीजेपी के। अरे विधायक रहने से मर्द रहना चाहिए संजय भैया जी। देखिए मर्द रहना चाहिए और मांग हो रही है चुनाव लड़ने की, आप समझ सकते हैं पूरे बाढ़ में एक अलग तस्वीर निकल के आ रही है। तो हमने आपको सड़कों की तस्वीर दिखाई है, इस वक्त हम आप पहुंचे एक बड़ी सभा में, जहां पर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर जो राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस का आयोजन होना है पटना में, उसे लेकर संजय सिंह निमंत्रण देने आए हैं। लेकिन क्या सच में संजय सिंह निमंत्रण देने आए हैं? हम आपको तस्वीर दिखाएंगे। देखिए यहाँ हजारों की संख्या में लोग हैं और गाना बजाना हो रहा है। ये मांग उठ रही है कि संजय सिंह ही बाढ़ विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ पर एनडीए की सीट है, ये बीजेपी की सीट रही है, यहाँ से ज्ञान सिंह ज्ञानू विधायक हैं। लेकिन क्या ये सीट फिर से जेडीयू के पास आएगी? संजय सिंह क्या सच में निमंत्रण देने आए हैं या बाढ़ विधानसभा में एक नई जंग की शुरुआत हो रही है? संजय सिंह देखिए, लोग उनका भव्य स्वागत कर रहे हैं, तस्वीरों को दिखा रहे हैं। संजय सिंह का भव्य स्वागत हो रहा है और हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर लोग मौजूद हैं, तमाम जितने जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। संजय सिंह का भव्य स्वागत हो रहा है। हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी संजय सिंह हैं, हजारों की संख्या में भीड़ जुटी हुई है। राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस आप हर साल करते हैं, वो ठीक बात है, ये सही में राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस का निमंत्रण देने आए हैं, क्योंकि यहाँ की फिजा तो कुछ और कह रही है। देखिए मैं हर साल, आपको मालूम है आलोक जी, मैं राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस के रूप में शूरवीर महाराणा प्रताप का पुण्यतिथि में मनाता हूँ पटना में हर बार। इस बार भी 19 जनवरी को मनाने का, उसको भी निमंत्रण देने आए। हमको जब निमंत्रण देने के लिए हम यहाँ प्रोग्राम लगा तो लोग आपका सम्मान भी करेंगे, तो दोनों में राजी हो गए। तो देखा था कि रोड शो हो रहा था, लोग फूल बरसा रहे थे। आप सोचिए कि समनीमा से आप साथ आए हैं, आप लोग यहीं के हैं, हजारों फोर व्हीलर गाड़ी था, ऊपर ही मोटरसाइकिल 11 बजे समनीमा बॉर्डर पर आ गए थे, बाढ़ के बॉर्डर पर। यहाँ आने में हमको 3.5 घंटा लगा था, आप समझ सकते बाढ़ की जनता। ये निमंत्रण देने आए हैं या चुनावी संक्रांत? चुनावी संक्रांत नहीं, देखिए बाढ़ की जनता हमारा परिवार है। आपका रिश्ता क्या है बाढ़ के लोगों से? बाढ़ के लोगों से आपका रिश्ता क्या? बाहर का, बाढ़ से हमारा पुराना रिश्ता रहा है, बाढ़ के लोग हमारा रिश्ता ही नहीं, हमारा उनके साथ लगाव भी है, खून से बड़ा संबंध होता है ये संबंध। बाढ़ के लोग हमारा परिवार है, हम परिवार को छोड़ने वाले नहीं हैं।
अगर बाहर के लोग दो बूंद कतरा खून देगा तो हम 100 बूंद कतरा खून देने के लिए तैयार रहेंगे एनी टाइम। अभी आपने कहा कि कमाओगे तो खाओगे, क्या क्या तो आप कह रहे थे? कमाने वाला खाओगे, कमाने वाला खाएगा, लूटने वाला नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। नया जमाना का मतलब क्या है? नया जमाना सब कुछ नया होगा, सब कुछ नया होगा। संजय सिंह जी, मैं साफ साफ पूछ रहा हूँ, इस बात की चर्चा है, लोग भी अभी कह रहे थे, मैंने उनसे बात की है कि संजय सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं जेडीयू के टिकट पर, क्या हमने तो कहा कि स्वर्ग कह रहे हैं ना, सर्वमान नेता नीतीश बाबू हैं, हम लोग के बड़े भाई ललन बाबू हैं, जो तय करेंगे हम उसमें मान्य है मेरा। वो तय कर देंगे तो फिर आप मानेंगे? हम तो पहले बोले आग में ही कूद जाएंगे। नीतीश कुमार जी ने हमको 3-3 बार MLC बनाने का काम किया है, जो कद मेरा बढ़ाया आदरणीय नीतीश कुमार जी का देन है, ललन बाबू का देन है, तो मैं उसको कैसे भूल जाऊंगा? मैं राजनीति में पीठ में छुरा भोंकने का काम नहीं करता हूं। जब तक नीतीश कुमार जी रहेंगे तब तक मैं उनके साथ खड़ा रहूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। ये तो पीठ में छुरा भोंकने वाली बात आपने यहां के स्थानीय जनप्रतिनिधि पर कह दी, किसी को उन्होंने वो भी आपने कहा जो उसका जवाब दिया, मैं पीठ में खंजर भोंकने का काम नहीं करता हूं, मैं नीतीश कुमार जी के साथ हूं, कल भी था, आज भी हूं, कल भी रहूंगा। ललन सिंह और नीतीश कुमार ने कह दिया कि हां लड़ जाइए, तो लड़ जाएंगे, निश्चित लड़ेंगे, अगर वो बोलेंगे तब। हाँ, वो बोल देंगे तो लड़ जाएंगे। हमको देखिए, हम आप जो आप उनको खोदना चाहते हैं, निकलवाना चाहते हैं, मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ, मैं तीसरा टर्म है, हमारा सर्वमान्य नेता नीतीश जी हैं और ललन बाबू जो कहेंगे हम करने को तैयार हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि यहाँ पे NDA की बात है फिर लड़ाई होगी? हम इसके बीच में नहीं जानते, देखिए हम निमंत्रण देने लोग जो कह रहे हैं आपको सुन रहे हैं कि नहीं? लोग तो कह रहे थे, लग रहा था तो आप देखिए संजय सिंह के विधायक बना, अरे वो तो अपना बेचारा हमको मानता है इसलिए नारा लगा देता, उत्साह में नारा लगा देता है, इसलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो संजय सिंह आए हैं निमंत्रण देने के लिए, राष्ट्रीय स्वाभिमान दिवस होगा पटना में 19 जनवरी को महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर, भारत के शूरवीर महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर, और संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है, क्या नारे लगे यहाँ पर, वो हमने आपको सुनाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें, धन्यवाद।